हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्सलोर। आज हम क्लैट 2019 में आए हुए लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशंस। ये सेवेंथ पार्ट है। आशा है कि आपने पहले के 6 पार्ट के वीडियोस भी देखे होंगे, जिसमें हम दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं विथ एक्सप्लेनेशंस। पहला क्वेश्चन, प्रिंसिपल फॉरेन जजमेंट बाइंड्स द पार्टीज एंड इज कंक्लूसिव अनलेस इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। कोई भी फॉरेन जजमेंट है वो बाइंड करेगा दोनों पार्टीज़ को और वो कंक्लूसिव हो अनलेस वो फ्रॉड से लिया गया हो, मतलब छल के द्वारा लिया गया हो। फैक्ट्स, ए ऑब्टेन्स जजमेंट फ्रॉम US कोर्ट बाय प्रोड्यूसिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। ए जो है एक US कोर्ट से ऑर्डर ले आता है, जजमेंट ले आता है बाय प्रोड्यूसिंग फेक डॉक्यूमेंट्स, गलत डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हुए भी जजमेंट ले आता है। ये सारे ऑप्शन हैं। न्यू सूट कैन बी फाइल्ड इन इंडिया ऑन द सेम फैक्ट्स। जजमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड इन US। जजमेंट कैन बी इन्फोर्स्ड इन इंडिया। न्यू सूट कैन नॉट बी फाइल्ड इन इंडिया ऑन सेम फैक्ट्स। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शंस और प्रिंसिपल का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम एक एक करके ऑप्शन को एक्सक्लूड करेंगे। पहला ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, क्योंकि जजमेंट को लिया गया है फेक डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, तो जजमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन US, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। जजमेंट US कोर्ट का है इसलिए इंडिया में इन्फोर्स होगा, ऐसा भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ एक्ट में ऐसा नहीं प्रतीत होता है। और न्यू सूट इन इंडिया कैन बी फाइल्ड, डेफिनेटली न्यू सूट इन इंडिया कैन बी फाइल्ड, तो इसीलिए यहाँ पे ए जो है इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल डिसीजन ऑफ कोर्ट इज नल एंड वॉइड इफ इट इज गिवन बाई कोर्ट विच डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर। कोई भी निर्णय कोर्ट का वैल्यू नहीं रहेगा, जिसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, अगर उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, अगर उस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वो सब्जेक्ट मैटर नहीं आता है, तो उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ये प्रिंसिपल कहता है। फैक्ट्स, ए ऑब्टेन्स डिसीजन फ्रॉम अ कोर्ट विच डिड नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू डील विद द सब्जेक्ट मैटर। तो ए जो है कोर्ट से डिसीजन ले आता है जिसका अधिकार क्षेत्र उस सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। ये सारे ऑप्शंस हैं। पहला, डिसीजन कैन बी इन्फोर्स्ड बिकॉज बोथ दी पार्टीज वर प्रेजेंट। दूसरा, डिसीजन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बिकॉज डिसीजन इज नल एंड वॉइड। तीसरा, डिसीजन कैन बी इन्फोर्स्ड बिकॉज इट इज़ गिवन बाय अ कोर्ट। चौथा, डिसीजन कैन बी इन्फोर्स्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत क्लियर कट है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो कोर्ट से लिया गया है उसका अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, इसीलिए डिसीजन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड और उसका वैल्यू नल एंड वॉइड हो जाएगा, जैसा यहाँ प्रिंसिपल में देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल सिविल सूट कैन बी फाइल्ड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइज। तो कोई भी सिविल सूट को फाइल किया जा सकता है जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, मतलब डिफेंडेंट मतलब जिसके अगेंस्ट केस कर रहे हैं, या डिफेंडेंट व्यापार चला रहा है, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हुआ है वहाँ। फैक्ट्स, ए कैरीज ऑन बिजनेस इन गुड़गांव, बी कैरीज ऑन बिजनेस इन मुंबई। बी थ्रू हिज एजेंट इन गुड़गांव परचेजेस गुड्स इन गुड़गांव एंड टेक्स डिलीवरी थ्रू एजेंट इन गुड़गांव। वेयर सिविल सूट फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस कैन बी फाइल्ड बाई ए। तो ए जो है वो बिजनेस चलाता है गुड़गांव में, बी जो है वो बिजनेस चलाता है मुंबई में। बी थ्रू हिज एजेंट, बी अपने एजेंट के द्वारा गुड़गांव में परचेस करता है गुड्स को और डिलीवरी भी गुड़गांव में लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि सिविल सूट जो है पैसा लेने के लिए ए कहाँ फाइल करेगा। ये ऑप्शंस हैं। पहला, गुड़गांव ओनली वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, एट मुंबई वेयर बी कैरीज ऑन बिजनेस, एट ईदर ऑफ द प्लेसेस मुंबई और गुड़गांव। चौथा, एनी वेयर इन इंडिया। तो यहाँ पे दोस्तों प्रिंसिपल क्लियर है कि सिविल सूट वहीं फाइल कर सकते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, मतलब जिसके अगेंस्ट केस कर रहे हैं वो रहता है, या वहाँ पे बिजनेस करता है वो व्यक्ति, या जहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है वो गुड़गांव में हो रहा है, जो डिलीवरी हो रहा है प्रोडक्ट का वो गुड़गांव में हो रहा है, और जो बी है जिसके अगेंस्ट केस करेगा ए वो मुंबई में रहता है, इसीलिए
यहाँ पे ऑप्शन सी जो है विल बी द राइट आंसर, जो कहता है एट ईदर ऑफ द प्लेसेस दैट इज मुंबई एंड गुड़गांव। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल सिविल सूट कैन बी फाइल्ड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। ये प्रिंसिपल सेम है पिछले क्वेश्चन के जैसा। सिविल सूट वहीं फाइल हो सकता है जहां पे डिफेंडेंट यानी जिसके अगेंस्ट केस कर रहे हैं वो रहता है, या जो वो बिजनेस करता है, या जहां पे डिस्प्यूट अराइज हो, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। फैक्ट्स, एन अग्रीमेंट इज साइंड एंड एग्जीक्यूटेड इन न्यू दिल्ली बिटवीन ए एंड बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर बी इज टू सप्लाई गुड्स टू बी डिलीवर्ड एट न्यू दिल्ली टू क्लाइंट ऑफ ए। ए कैरीज ऑन बिजनेस इन हरियाणा एंड बी कैरीज ऑन बिजनेस इन यूपी। सिविल सूट बाई बी फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट ए एट। तो दोस्तों यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो साइन होता है न्यू दिल्ली में, बी को जो सप्लाई करना था गुड्स को वो न्यू दिल्ली में करना था, ए बिजनेस कहाँ करता है, हरियाणा में करता है, और बी जो है वो यूपी में बिजनेस करता है। तो यहाँ एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। ए जहाँ बिजनेस करता है वो हरियाणा है, बी जहाँ बिजनेस करता है वो यूपी है, और जो अग्रीमेंट जहाँ साइन हुआ है वो न्यू दिल्ली है, और जहाँ सप्लाई हो रहा है गुड्स वो भी न्यू दिल्ली है। अब हमें ये देखना है कि सिविल सूट बी कहाँ फाइल कर सकता है, अगर बी को पैसा नहीं मिले, कंसिडरेशन नहीं मिले, तो वो ए के अगेंस्ट कहाँ कहाँ केस कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस हैं, ओनली एट न्यू दिल्ली वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, दूसरा ओनली एट हरियाणा वेयर ए कैरीज ऑन बिजनेस, तीसरा ओनली एट यूपी वेयर बी कैरीज ऑन बिजनेस, एट हरियाणा और एट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो डी इज़ दी राइट आंसर, बिकॉज जो ए है वो कैरी करता है बिजनेस हरियाणा में, और जो बिजनेस हुआ है अग्रीमेंट देखा जाए और जो डिलीवर हुआ है प्रोडक्ट वो न्यू दिल्ली में हुआ है, इसीलिए डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल नो कोर्ट कैन एग्जीक्यूट द डिसीजंस अनलेस इट इज़ हैविंग टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओवर द प्रॉपर्टी और द पर्सन अगेंस्ट हुम डिसीजन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। द कोर्ट विच गिव द डिसीजन कैन ट्रांसफर द मैटर टू द कोर्ट विच हैज़ द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है डिसीजन जब तक उसके पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा उस प्रॉपर्टी का। और दूसरा बात ये कहता है ये प्रिंसिपल कि द कोर्ट विच गेव द डिसीजन कैन ट्रांसफर द मैटर टू द कोर्ट विच हैज़ द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो एक कोर्ट जो है वो जिसने डिसीजन लिया है, जिसने जजमेंट दिया है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है उस मैटर को दूसरे कोर्ट में जिसके पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उस पर्सन का या उस प्रॉपर्टी का। फैक्ट्स क्या है, ए डिसीजन इज़ गिवन बाय कोर्ट एट न्यू दिल्ली ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर अगेंस्ट एक्स इन अ सूट बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स इज़ रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड ही हैज़ प्रॉपर्टीज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो एक डिसीजन दिया गया है कोर्ट के द्वारा जो न्यू दिल्ली में है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर में एक्स एंड वाई के बीच में, और जिसका डिसीजन अगेंस्ट एक्स है, एक्स के अगेंस्ट में है, और एक्स जो है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है और उसका प्रॉपर्टी जो है वो महाराष्ट्र एंड गुजरात में है। ये ऑप्शंस हैं, न्यू दिल्ली कोर्ट कैन ट्रांसफ़र द प्रोसीडिंग टू कोर्ट एट महाराष्ट्र ओनली, न्यू दिल्ली कोर्ट कैन एग्जीक्यूट द डिसीजन बिकॉज इट हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द मैटर सो इट कैन एग्जीक्यूट ऑल्सो, न्यू दिल्ली कोर्ट कैन ट्रांसफ़र द प्रोसीडिंग टू कोर्ट एट गुजरात ओनली, न्यू दिल्ली कोर्ट्स कैन ट्रांसफ़र द प्रोसीडिंग्स। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि जो डिसीजन दिया गया है वो न्यू दिल्ली में है, लेकिन जो एक्स एंड वाई है, जो डिस्प्यूट हुआ है, जो अगेंस्ट में डिसीजन आया है एक्स के, एक्स का प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे है, तो वो है महाराष्ट्र में और गुजरात में। और प्रिंसिपल ये कहता है कि एग्जीक्यूट करने का पावर जो है वो वहीं उसी कोर्ट के पास है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करता है, उसी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में, उसी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है जहाँ पे प्रॉपर्टी रिसाइड है। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि एक्स है रेसिडेंट महाराष्ट्र का जिसका प्रॉपर्टी महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों में है, तो वही कोर्ट एग्जीक्यूट कर सकता है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो कोर्ट्स इन महाराष्ट्र एंड गुजरात कैन एग्जीक्यूट दी ऑर्डर।
लेकिन यहाँ पे चारों में से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमें चूज़ करना होगा। तो हम एक्सक्लूड करेंगे एक एक ऑप्शन। पहला ऑप्शन, न्यू दिल्ली कोर्ट कैन ट्रांसफ़र द प्रोसीडिंग टू कोर्ट एंड महाराष्ट्र ओनली, तो ये गलत है क्योंकि वो गुजरात में भी कर सकता है ट्रांसफ़र, क्योंकि एक्स का जो प्रॉपर्टी है वो गुजरात में भी है, तो ए तो ऑप्शन होगा नहीं। न्यू दिल्ली कोर्ट कैन एग्जीक्यूट द डिसीजन बिकॉज इट हैज़ द ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द मैटर, सो इट कैन एग्जीक्यूट ऑल्सो। न्यू दिल्ली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है क्योंकि उसका प्रॉपर्टी भी नहीं है वहाँ पे न्यू दिल्ली में, ना एक्स रिसाइड करता है न्यू दिल्ली में, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। न्यू दिल्ली कोर्ट कैन ट्रांसफ़र द प्रोसीडिंग्स टू कोर्ट एट गुजरात ओनली, तो ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि उसका प्रॉपर्टी सिर्फ गुजरात में नहीं है, एक्स का प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में भी है और एक्स महाराष्ट्र का भी रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बोलता है कि न्यू दिल्ली कोर्ट कैन ट्रांसफ़र द प्रोसीडिंग्स टू ईदर ऑफ़ द कोर्ट्स महाराष्ट्र एंड गुजरात, और यहाँ फैक्ट से क्लियर देख सकते हैं कि एक्स का जो प्रॉपर्टी है वो महाराष्ट्र और गुजरात में है, और एक्स जो रेसिडेंट है वो भी महाराष्ट्र का है, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कंसिडरिंग द प्रिंसिपल इज ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।